वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात ज़रूर बताना चाहता हूँ कि ज़िंदगी की असली वैल्यू हमें हमारे कंफर्ट जोन के बाहर ही देखने को मिलेगी, क्योंकि जब तक हम लोग अपने कंफर्ट जोन के बाहर नहीं निकलेंगे, हम चीज़ों को सिर्फ देख और सुन सकते हैं पर उसे फील बिल्कुल नहीं कर सकते। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, बढ़िया ही होने चाहिए। तो इस वक्त मैं हूँ दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। अभी मैं जो आपको बताया, आपने मेरी पिछली सीरीज देखी दिल्ली की, मैं जो है वो दिल्ली घूम रहा था और अभी मैं जा रहा हूँ वापस घर जम्मू को। और मेरी ये जो जर्नी है वो रहेगी दिल्ली टू जम्मू, वो भी ट्रेन से। और भाई ये जो सफ़र है वो मैं करने वाला हूँ जर्नल से, तो आप लोग मेरे साथ सफ़र में बने रहो, मैं आपको बाहर लेके चलता हूँ। तो इस वक्त मैं हूँ दिल्ली के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे और जिस ट्रेन में मैं जाने वाला हूँ वो होगी पूजा एक्सप्रेस। तो अभी ट्रेन आएगी 11:00, कब आएगी ट्रेन? ट्रेन आएगी 11:05 पे। ठीक है, फिलहाल ट्रेन का वेट कर लेते हैं। भाई का नाम रोहित कुमार है, ये भी जम्मू से है और ये भी जम्मू जा रहे हैं वापस। तो अभी अभिषेक जो है वो भी हमारे साथ वहाँ पे गया हुआ है। ठीक है भाई, तो देखते रहो जर्नी, इंजॉय करो पूरा। बाकी अभी टाइम जो है वो 10:36 हो गए हैं भाई, 11:05 पे जो है वो ट्रेन है हमारी। और अगर स्टेशन की हालत देखो तो भाई देख सकते हो आप लोग कितनी ज्यादा भीड़ है यार, आगे पीछे सारे कितनी ज्यादा भीड़ लगी पड़ी है। और मेरा ये जो सफ़र है जर्नल में पहली बार है, मैं लाइफ का पहली बार जो है वो सफ़र कर रहा हूँ रेलवे मतलब जर्नल में ट्रेन के थ्रू। भाई लिटरली अपने आप में एक अलग ही एक्सपीरियंस आने वाला है। तो ब्लॉग में बने रहो और जो जो न्यू वीडियो देख रहे हैं भाई सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलो और लाइक और शेयर ज़रूर करो। यहाँ पे देखो माल लोड हो रहा है ट्रेन का। तो भाई ये खाने पीने का थोड़ा सा सामान ले लिया हमने, तो यार यही हमारा साथी है। तो यार यही हमारे साथी है। अब जनरल में सफर करना हो तो ये चीजें जरूर अपने साथ रखो, बाकी खाने का मौका लगे ना लगे वो बात अलग है। फाइनली गाइस पूजा एक्सप्रेस अपनी जो है वो आ चुकी है, इसी ट्रेन में हम जाएंगे। इसमें तो बुरी हालत है यार भाई साहब, ये है जनरल की हालत। ये है जनरल की हालत है, आगे पीछे मैं आपको सारा बता दूँ। ऐसी ट्रेन में सफ़र करना है आज। क्या कर रहा है? सेटिंग शॉल घर से लेके आया। तेरे को पता था हम ट्रेन में जाएंगे? हमें पता क्या, हम खज्जल होने जा रहे हैं। एडवांस में तैयारी करना बड़ा जरूरी है। अभी एक बंदा जो वो जम्मू वाला था हमारा, वो हमने वो पीछे वहाँ पे एडजस्ट करवा लिया। आंटी ने हमें सीट दे दी है यार। हेलो, आंटी ने हमें सीट दी, बहुत बड़ी बात है, बट इसको दी। बैठा मैं भी हूँ बट मैं कैसे बैठा हूँ वो सिर्फ मुझे पता है। देखते हैं अभी 1.5 घंटे बाद जो है वो बस मतलब कि बस कह रहा हूँ, अभी मैं बस कह रहा हूँ, ट्रेन जो है 1.5 घंटे के बाद वो थोड़ी खाली होने लग पड़ेगी, हमें सीट मिल जाएगी। एक बात हुआ है भाई, जम्मू मतलब जम्मू छोड़ो, इंडिया की जर्नल में जो हालत होती है ना, इंडिया रेल्स की जो जर्नल कैबिन्स में तो बुरी हालत होती है भाई, इन डिपो में बड़ी बुरी हालत होती है। इस तरह से देख लो थोड़ा सा। अभिषेक थोड़ी देर के लिए टॉयलेट गया और मुझे अपनी सीट देके गया। हाँ हाँ, इसको भी अच्छी सीट मिली है यार, मतलब अगर मैं 10 मिनट तक यहाँ बैठा रहा ना तो नींद आ जाएगी। और अभी एग्जैक्टली टाइम हो रहा है, अरे भाई टाइम बता, टाइम हो रहा है 12:35, मतलब कि ऑलमोस्ट ये ट्रेन जो है ना वो 2-2.5 घंटे लेट है यार, ऐसे होता नहीं है लेकिन फिर भी 2-2.5 घंटे लेट है। तो
ट्रेन ने अभी अपना पहला स्टॉप है वो जो ले लिया हुआ है, ये है करनाल रेलवे स्टेशन पे। तो हालांकि सिर्फ एक ही मिनट रुकी होगी, इससे ज्यादा नहीं रुकी होगी। बड़ी बुरी हालत है। जनरल ट्रेन में सफर करना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है गाइस। तो अभी तो ट्रेन जो है वो थोड़ी थोड़ी खाली होने जा रही है, क्योंकि मैं भी देखो रिलैक्स होके कैसे ऐसे मैंने पूरी रात जो है वो यहाँ पे नीचे पैर रख के ऐसे गुजार दी। और मेरे को लगता है मैं आधे घंटे या एक घंटे के लिए सो भी गया था, लेकिन पता नहीं चला यार कि कैसे सो गया था। अभी ये वाली सीट खाली हुई थी, मैंने पाँव अपने ऐसे रख लिए हैं। अभी हम लोग पहुँचे हैं जलंधर में, फिर भी 2-2.5 घंटे लगेंगे कठुआ स्टेशन पहुँचने में। तो अभी बाहर जो है वो आप लोग देखो, मतलब अभी दिन जो है वो शुरू हो चुका है और आधे घंटे के बाद वो जो है वो क्लियर लाइट आ जाएगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगा बाहर पूरा। बाकी यार ये सफ़र जो है वो कभी नहीं भूलने वाला। अपने आप में एक चैलेंज था जिसको हमने लिटरली जो है 75% तो कंप्लीट कर दी है, बस अभी 25% कंप्लीट करना बाकी है। ये भी हो जाएगा, बट एक बात बताऊँ, मैं तो इंडियन रेलवे को सोचना चाहिए कुछ। जनरल डब्बों के बारे में तो ज़रूर सोचा जाए इंडियन रेलवे को यार। बाकी ठीक है, सब कुछ बढ़िया है। ठीक है भाई, कैसा रहा सफर? है बहुत बढ़िया। चल ठीक है, भाई ने बड़ी हेल्प की थी हमारी सीट लेने के लिए, लेकिन सीट जो है वो बाय लक हमें नहीं मिल पाई। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। बात करी थी नेक्स्ट टाइम। ठीक है भाई, थैंक यू। ओके जी, ओके। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाए, तेरे हाथों पे मेहंदी अपने नाम की सजाए, तेरी ले ले बनाए तेरे सदके। तो ठीक है गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं कठुआ रेलवे स्टेशन में, और ये थी अपनी ट्रेन जिसमें हमने पूरा सफ़र किया, और ये वापस जा रही है अब जम्मू की तरफ। काफ़ी बढ़िया सफ़र रहा वैसे यार। तो ठीक है, फिर हम यहाँ से जाएंगे घर, देखते हैं कौन आता है लेने के लिए।